केसरूपा जी नजर डाले अगर मसालों की ओर तो देख रहे हैं कि जीरा और धनिया काफी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जीरा देख रहे हैं 14,800 के ऊपर है और धनिया 8,400 के ऊपर। रूपा जी आपने जो लेवल्स दिए थे वो भी अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। जीरा 15,000 से सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी पर है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है धनिया और जीरा के अंदर अब आगे कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा, क्या यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी इस कारोबारी सप्ताह में? देखिए दिनेश, धनिया में तो तेजी एक्सपेक्टेड थी कि अगर बाजार यहाँ से उठता है तो 84-85 सौ तक जा सकता है, लेकिन जीरे में मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं देती। धनिया में फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से 8,800 तक का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां तक जीरे की बात है मैक्सिमम तेजी मुझे लगता है 15,000-15,200 तक जा सकता है। जीरे में बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं देती क्योंकि निर्यात मांग काफी कम है। हल्दी में भी कोई बहुत ज्यादा भी बाजार दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल एक धनिया है जिसके अंदर एक बार डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते धनिया में 200-300 रुपए का अपसाइड बन सकता है, लेकिन जीरा और हल्दी मुझे लगता है कि अभी सुस्ती के साथ ही कारोबार रहेगा, छुटपुट बाइंग आ सकती है और 200-300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी,